ये बोलेंगे ओवैसी तो भड़काऊ भाषण देकर चला गया, नौजवानों को जज्बात में लाया, मगर बीजेपी को कौन रोकेगा? याद रखो, बीजेपी को ओवैसी और कुशवाहा रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे, बहन मायावती बीजेपी को नहीं रोक पाएंगी। इसलिए नहीं रोक पाएंगी कि हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने सपा बसपा को वोट नहीं दिया, फिर बीजेपी कैसे जीत गई? हम थे यहां पर। 2017 के विधानसभा में अखिलेश और राहुल मिलकर लड़े, वो गाना बनाया था कि यूपी को इन बच्चों का साथ पसंद है। फिर क्या हुआ, योगी कैसे बन गए? 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव आया, बहन मायावती अखिलेश मिलकर लड़े, 65 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गई। हम नहीं लड़े, कैसे जीती बीजेपी? क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? हाथ उठाकर बताइए किसने बीजेपी को वोट नहीं दिया। डरिए मत, महान उठाइए। अब आप जब हाथ उठा चुके हैं, आपको फैसला करना जरूरी है कि 27 तारीख को आपके वोट की अहमियत क्या है। आपके वोट की अगर अहमियत जताना है तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप शेर अफगान को कामयाब करिए। ये शेर है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाएगा और शेर की तरह आपके अकेले लड़ेगा। अखिलेश यादव से परिवारवाद, यादववाद की बात करते, उनके पास कोई दूसरा नजर नहीं आता। अच्छा, हम यहां पर हमारी सभा हुई थी आज से 3 महीने पहले 5 महीने पहले, हमने एक ब्रिज का जिक्र किया था, काम हुआ ना उसके ऊपर? नहीं हुआ। फिर भी आप भी बस बीजेपी को सत्ता को सोचेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस विधानसभा में विकास भी कराए, जो बीजेपी और सपा को हराए। और हमारी बात को याद रखिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारी माँ और बहनें यहाँ पर माशाल्लाह से हिजाब और निकाब पहनकर बाहर तरीके से बैठी हुई है। और जो लोग समाजवादी की वोट डालने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अखिलेश का हिजाब और निकाब पर अखिलेश का क्या मौकफ है? बताओ, क्या मौकफ है अखिलेश का? जब एक न्यूज रिपोर्टर ने अखिलेश से उनकी बस के ऊपर चढ़कर पूछा, बताइए हिजाब और निकाब तो कहा, सुनाई नहीं दे रहा है? जब उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो तुमको क्यों सुनाई दे रहा? जब उससे पूछा गया मुस्लिम मतदान तो कहा गया नहीं सुनाई दे रहा है। जो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होना चाहिए मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे आप? ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से ताली बजती है। अगर आप याद रखिए, एक तरफा मोहब्बत आप कर रहे हैं, अखिलेश को आपसे मोहब्बत नहीं है। अखिलेश इस बात को जानते हैं कि आप उनके कैदी हैं, इनको योगी मोदी का डर दिखाओ, ये डर कर और देंगे मुझे। हम आपसे क्या कह रहे, डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर शेर अफगान के पतंग के निशान पर बटन दबाइए।
मैं आपसे कह रहा हूं कि पढ़ने की बुनियाद पर नहीं बल्कि बेखौफ होकर मजलिस के परचम को ले आओ और जहां से अपने विधायक बनाकर उसको उत्तर प्रदेश विधानसभा में बिठाओ। मैं आपसे कहने को आया हूं, मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि आप किसी इंसान से मत डरिए, आप किसी प्रधानमंत्री से मत डरिए, किसी मुख्यमंत्री से मत डरिए, किसी ओवैसी से मत डरिए, किसी अखिलेश से मत डरिए। अगर डरना है तो जमीन आसमान के खालिक से डरो, मखलूक से मत डरो, खालिक से डरो। अखिलेश का डर, मोदी का डर, योगी का डर, अरे डर डर कर कितनी घुटन की जिंदगी गुजारोगे। दुनिया में आए तो एक ही जिंदगी है, मौत बार बार नहीं आती है। अगर वो चार गोलियों में से दो हमको लग जाती तो हम चले जाते, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। जब जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, और जिंदगी का सबूत यह है कि तुम सच्चाई का हक का साथ दो। तो लोग आप समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से कहे कि हिकमत का तकाजा है कि समाजवादी को वोट दो, मैं उनसे पूछ रहा हूं तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2014 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2017 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2019 में। अब बहादुरी का तकाजा यह है कि तुम ओवैसी और कुशवाहा का साथ दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यूएपीए कानून जिसको अमित शाह लेकर आए थे, क्या समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर और बसपा ने मिलकर क्या यूएपीए कानून की तारीफ नहीं की? वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ कहना ये का इंस्पेक्टर आपकी विधानसभा के किसी एक बच्चे का नाम शेर अफगन होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है। वो कानून के तहत आज भारत की जेलों में नौजवान सड़ रहे तीन तीन चार चार साल से। अखिलेश यादव ने, बसपा ने, कांग्रेस ने अमित शाह का साथ दिया, कौन उसकी मुखालिफत किया? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है। आज उठाकर देख लो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड। आज समाजवादी के लोग हमारे गांव हमारे घर के पास आकर कहते कौम 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 कौम, ये कौन सी कौम की मोहब्बत है जब तुम हमारे बर्बादी के कानून में तारीफ करते हो? ये कौन सी कौम की मोहब्बत है कि तुम अमित शाह का साथ देते हो? मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, बताओ ये मेरी बात सच है या झूठ है? ट्रिपल तलाक का कानून तीन तीन मरतबा आया, कौन उस समय तल्लाह कानून की मुखालिफत किया और कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने कहा था ट्रिपल तल्लाक के बारे में? अखिलेश ने क्या कहा मालूम आपको? ट्रिपल तल्लाक का कानून है, हमारी शनाख्त को कमजोर किया जा रहा था, हमारी मां और बहनों से नाइंसाफी का कानून मोदी ने बनाया। तो अखिलेश अपने भाषण में पार्लियामेंट में कहा मैंने लखनऊ से आगरा रोड बनाई। कानून ट्रिपल तल्लाक का है और भैया बात कर रहे हैं लखनऊ आगरा मैंने रोड बनाई। यही तो मामला है, एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलेगी, एक तरफा मोहब्बत। अच्छा यहां कितने नौजवान है कभी तुमने जिंदगी में मोहब्बत की? एक तरफा होती है मोहब्बत। अच्छा यहां जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बोला है? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। ये है दो तरफा मोहब्बत। समाजवादी बसपा की रैली में ए लाला फिर पेट्रोल डालकर गया, बसपा की रैली में राशन मिलेगा। यहां कुछ नहीं है, यहां मोहब्बत है। तुम क्या मांग रहे हो? 25 लोग हैं, इसको इश्क बोलते हैं। इसीलिए हम कह रहे कि हमारे जाने के बाद इबलीस की औलाद आके बोलेगी मोहब्बत ज्यादा बढ़ने मत दे।
हम आपसे कहेंगे कि मोहब्बत बढ़ेगी जब तक अल्लाह हमको और कुशवाहा आपको जिंदा रखेगा। हम इस मोहब्बत को आम करेंगे, मोहब्बत से दिलों को भर देंगे, उत्तर प्रदेश में नफरत की दीवारों को खात्मा करेंगे, दिलों को मिलाने का काम ओवैसी और कुशवाहा कर रहे हैं। अखिलेश, बसपा और बीजेपी सिर्फ अपने घर में चराग जलाना चाहते हैं, ओवैसी और कुशवाहा हर गरीब मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम सत्ता अपने लिए नहीं आपके लिए कह रहे हैं, आप नेता बनो, आप लीडर बनो। और इस विधानसभा का यह हक बनता है कि जिस पार्टी को आपने 10-10 साल मौका दिया, अब उनको छोड़िए, शेर अफगन को कामयाब करिए, ये एक नए दौर का आगाज करिए। आपने सबको मौका देकर दे दिया, जोली भर भर कर खैरात में और दिया, मगर क्या मिला? खड्डे मिले, रोड मिली।